हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। अर्चना का रिक्वेस्ट है और उन्होंने फिर से पूछा है कि थर्ड या फोर्थ कॉलम हो तो उसे क्या प्राइमरी की बना सकते हैं। हाँ बिल्कुल बना सकते हैं, लेकिन जब भी प्राइमरी की बनाएंगे तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में हम जब भी प्राइमरी की बनाएंगे तो एक बार में एक टेबल में एक ही वैल्यू आएगी, वो रिपीट नहीं होगी। तो आइए देखते हैं, यहाँ ब्लैंक डेटाबेस पे क्लिक करते हैं, क्रिएट पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। फिर यहाँ पर क्लिक करके फिर डिजाइन व्यू पे आ जाते हैं, डिजाइन कर लेते हैं, टेबल वन ही रहने देता हूँ। ये आईडी आ रही है, यही प्राइमरी की है, ठीक है। अब हम चाहते हैं तीसरे चौथे पांचवे छठे या लास्टवे कॉलम में बनाए, जैसा भी चाहते हैं कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। यहाँ पे मैं कर देता हूँ प्रोडक्ट नेम, लिखा हमने नेम, ओके। और फिर यहाँ पर ऑटो नंबर आ रहा है, इसे हम टेक्स्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं, यहाँ टेक्स्ट कर देते हैं। और यहाँ पे प्रोडक्ट की प्राइस जो है वो आ जाएगी और इसे रखेंगे करेंसी डेटा टाइप। तो यहाँ से करेंसी सी प्रेस करते हैं, करेंसी आ जाएगा। और फिर यहाँ पे यूनिट कर देता हूँ और यूनिट को हम रखेंगे नंबर डेटा टाइप। और यहाँ से ये जो लॉन्ग इंटीजर दिख रहा है फील्ड साइज, इसे हम बना देंगे डबल। क्या रखेंगे? डबल, ताकि हम डेसिमल में भी वैल्यूज एंटर कर पाए। और फिर यहाँ पे टोटल, तो टोटल जो होगा वो करेंसी डेटा टाइप रखेंगे हम। तो यहां पर क्लिक करके डेटा टाइप में सिर्फ सी प्रेस कीजिए, इसको पहले टेक्स्ट हटा देते हैं, फिर यहां पर सी प्रेस करते हैं, इसको ओके किया और यहां से सिर्फ सी प्रेस कीजिए, करेंसी पे आ जाएगा ये, और करेंसी चूज कर लीजिए, ठीक है। अगर टैक्स वगैरह देना चाहते हैं तो ये भी दे सकते हैं। अब देखिए यहां पर प्रोडक्ट नेम आया हुआ है और ये यहां पर देखिए यहां पर लास्ट में नंबर, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, पहले दूसरे तीसरे चौथे और पांचवे जाएंगे और यहां पर इसे बना लेंगे प्राइमरी की। कैसे बनाएंगे? यहां पर राइट क्लिक करेंगे और ये प्राइमरी की यहां पे आपको दिखाई पड़ जाएगी। अगर राइट क्लिक नहीं भी करना चाहते हैं तो भी यहां पर क्लिक करें और ये प्राइमरी की पर क्लिक कर दें, तो अभी ये प्राइमरी की बन गई। नंबर भी बना सकते हैं, तो ये नंबर कर दिया हमने और यहां से ओके प्रेस किया और ये यस, तो ये यहाँ पे प्रोडक्ट नेम आएगा। इसके लिए हम एक क्वेरी डिजाइन कर लेते हैं, तो क्रिएट पे चल के क्वेरी डिजाइन पे जाके, अब चूंकि 2007 यूज कर रहा हूं तो इस तरीके से हमें करना पड़ रहा है, नहीं तो कैलकुलेटेड डेटा टाइप लेकर के 2016 या न्यूअर वर्जन की बात करें एमएस एक्सेस की, तो यहाँ पर डायरेक्टली हम कैलकुलेटेड डेटा टाइप का यूज करके फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। तो ये लगा लिया। अब क्वेरी बनाने के लिए तो हमें क्वेरी डिजाइन में ही जाना पड़ेगा और ये सारी चीजें हमें चाहिए, सारे जो फील्ड है वो सारे चाहिए हमें, तो सबको सेलेक्ट करके एक ही बार में लेके यहाँ पे आ जाता हूँ। ये आ गए हम। अब यहाँ पे टोटल कैलकुलेट करना है, यहाँ पे कोलन लगा करके स्क्वायर ब्रैकेट बना लीजिए, प्राइस को मल्टीप्लाई कर दीजिए यूनिट से, बस आपका काम हो जाएगा। और ये यहाँ पे देख सकते हैं आप, इस तरीके से ये कर दिया हमने और यहाँ से रन पे क्लिक कर दीजिए। अब ये सॉफ्टवेयर तैयार हो गया है। यहाँ पर प्रोडक्ट का नेम दे सकते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने दे दिया कीबोर्ड, प्राइस इसकी जो भी है 220 रुपए है, ठीक है। और मान लीजिए यूनिट तीन कीबोर्ड खरीदा तो उसके हिसाब से टोटल आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए प्रोडक्ट नंबर आ रहा है, ठीक है, और इसे हम ब्लैंक नहीं छोड़ सकते, तो यहाँ पर प्रोडक्ट नंबर में मैं डाल देता हूँ 1001, यानी 1001 कर दिया हमने प्रोडक्ट नंबर। अब ये प्रोडक्ट नंबर आप सेम नहीं डाल सकते, जैसे अगर मैं फिर कीबोर्ड की बात करूं तो कीबोर्ड तो हम दोबारा लिख पा रहे हैं। आप देखिए यहाँ पे कीबोर्ड अगर हम लिखते हैं और इसका दाम थोड़ा कम है, सस्ता क्वालिटी का कीबोर्ड है। अब यहाँ पर चार कीबोर्ड हम परचेस कर रहे हैं और यहाँ पे देखिए कीमत जो है अपने आप आ गई। क्वेरी लगाने का ये फायदा हुआ कि यहाँ पे कीमत अपने आप, हमें टाइप नहीं करना, ये अपने आप आता चला जाएगा। अब यहाँ पर अगर हम 1001 यानी 1001 टाइप करते हैं और जैसे ही आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं तो ये हमें टाइप नहीं करने देगा, जबकि कीबोर्ड यहाँ पे भी टाइप किया हमने। जैसे ही इसको हटा देंगे हम, यहाँ पे 1001 जो लिखा इसको हम अगर हटा देते हैं यहाँ से और यहाँ पे 1002 या और भी कुछ लिख देते हैं तो ये हमें टाइप करने देगा। आप देख पा रहे हैं, इसे कहते हैं फॉरेन की और इसे कहते हैं प्राइमरी की। तो आप देख सकते हैं कि इस बार मैंने कौन से यहाँ पे देख सकते हैं, ये टेबल में आके दिखाता हूं, ये देखिए यहाँ पे कौन से नंबर को प्राइमरी की बनाया, कौन से नंबर, तो ये पहला दूसरा, ये देखिए पहला रो, दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, यहाँ पांचवे को मैंने बनाया प्राइमरी की। तो बहुत ही इजीली आप कर सकती हैं और उम्मीद करता हूं बात आपके समझ में आ गई होगी। वीडियो पसंद आए तो उसे शेयर कर सकते हैं और भी कोई सवाल हो तो आप पूछ सकती हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।